नमस्कार। इसी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ की एक और बेहतरीन एडवाइस जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मोदी जी के डिजिटल इंडिया प्लान से भले इंडिया डिजिटल ना हुआ हो, लेकिन पापा मम्मी डिजिटल हो चुके हैं। इस डिजिटल ज़माने ने पापा मम्मी को इतना कूल बना दिया है कि वो अब किसी भी बात का जवाब सीधे सीधे नहीं देते। अब वो सिंपल सी भी बात सरकाजम के साथ बोलते हैं। तो हुआ ऐसा कि पापा खाना खा रहे थे। मैंने पापा से पूछा, पापा कुछ लाना है क्या? पापा बोले, हाँ थोड़ी अक्कल लिया तेरे लिए। ये कौन सा जवाब हुआ? अगर आपको नहीं चाहिए था तो आप डायरेक्टली मना कर देते। हाँ माना कि आपकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस बात को कभी भी बोल दो। अब मैं उस टाइम अपना असाइनमेंट करने जा रहा था। असाइनमेंट में मुझे शायद ऐसे सबमिट करना था। अब मेरा इस बात से मूड ख़राब हो चुका था, तो मैंने गलती से उस असाइनमेंट में सिर्फ अपना नाम अपना रोल नंबर लिख कर भेज दिया। तो टीचर क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आप शायद प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, मैं तो करता हूँ और बहुत लोग करते होंगे। तो पापा मम्मी ने मुझसे काम कराने के लिए दो तरीके ढूंढ लिए हैं। पहला तरीका, काम कोई भी हो, छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, वो मुझे उस काम के लिए चैलेंज कर देते हैं। बोलते हैं, बेटा एक काम था लेकिन छोड़, तुझसे नहीं होगा। अरे काम तो बता दो, फिर मैं डिसाइड करूँगा मुझे वो काम आता है या नहीं। तो बोलते हैं, टीवी चालू करनी थी। ये बात इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जब आपके भाई बहन भी पास बैठे हों और वो इस बात पर हंस दें, तो पूरी इंसल्ट के साथ मैं उस टीवी को चालू करके आता हूँ। और दूसरा तरीका, वो आपको किसी काम के लिए बोलेंगे ही नहीं, वो चुपचाप से उस काम को सबके सामने करेंगे ताकि आपको गिल्टी फील हो, आपको ये फील हो कि आप कितने नालायक हो कि आप वो काम भी नहीं कर सकते। तो मैं जब पापा से पूछा, पापा लाओ ये काम मैं कर लेता हूँ, तो पापा बोले, तू ड्रीम इलेवन भी टीम बना ले, तुझसे नहीं होगा ये काम, मुझसे गाड़ी भी साफ नहीं होगी। पापा ने मुझे इस लायक भी नहीं समझा। ये सीखने को मिलता है कि आप कितने भी समझदार हो, आप पापा मम्मी की जनरेशन से पीछे ही रहोगे। आप कितने भी मॉडर्न हो, कितने भी स्कूल में डिबेट जीती हो आपने, लेकिन आप पापा मम्मी से कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकते, और मम्मी से तो बिल्कुल भी नहीं, ट्राई भी मत करना। आपकी जनरेशन पापा मम्मी की जनरेशन से हमेशा पीछे ही रहेगी, पापा मम्मी की जनरेशन हमेशा टॉप पर रहेगी। बेटा। हाँ पापा। एक काम था बाकी छोड़, तुझसे नहीं होगा। अरे काम तो बता दो पहले। टीवी चालू कर दे। अभी तो चालू करके दिखाई टीवी यार, मुझे आता है टीवी चालू करना, डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते? इस हरकत ने ही बरकत दी है, क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा।